IISF यानी कि इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल इस बार फरीदाबाद में यानी कि हरियाणा में पहली बार होने जा रहा है और इसके लिए अरावली की पहाड़ियों के बीच में THSTI सेंटर को चुना गया है और एक बड़ा पूरे देश का इंटरनेशनल यानी कि इसमें जो तमाम जो फेस्टिवल में साइंस और टेक्नोलॉजी की चीज़ें होंगी और इसको लेकर देखेंगे आप तैयारियाँ पूरी तरह से यहाँ होती हुई दिख रही हैं और जो तमाम पूरी टीम इस तैयारियों का जायजा लेने के लिए भी पहुंची है। NIF की जिम्मेदारी है कि इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कराया जाए। उनके पूर्व डायरेक्टर डॉक्टर विपिन भी यहां पहुंचे हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, बड़ा आयोजन हरियाणा में पहली बार, चूँकि ये नौवां संस्करण है आपका इस तरह के कार्यक्रम का, किस तरह ये आयोजित होना है, कौन कौन इसमें हिस्सा लेगा, किस तरह इसका स्वरूप रहने वाला है? इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल में विज्ञान में काम करने वाले सभी लोग होंगे, चाहे वो वैज्ञानिक हों, चाहे वो कॉलेज में जाने वाले विद्यार्थी हों। यहाँ पे स्कूल के भी छात्र हजारों की संख्या में आएंगे, यहाँ पे इंटरनेशनल पार्टिसिपेंट्स भी होंगे। तो बच्चों की जो इनोवेशंस हैं उनसे स्टार्ट करते हुए कटिंग एज टेक्नोलॉजी और उनसे स्टार्टअप और किस तरह से वो स्टार्टअप मार्केट तक पहुँच रहे हैं, इसमें बहुत सारे पॉलिसी मेकर्स होंगे, बहुत सारे लीडर्स होंगे और वो यहाँ पे सबके साथ में इंटरेक्ट करेंगे। तो बेसिकली दो पर्पज़ हैं, एक तो जो उनकी अपनी प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स के ऊपर डिस्कशन करना, उन प्रॉब्लम्स का निदान करना, उन जो टेक्नोलॉजीज़ को किस तरह से मासिस तक लेके जाया जाए। और ऐसा भी नहीं है कि हम चाहते हैं कि सिर्फ बाज़ार के माध्यम से मार्केट तक पहुँचे, बहुत सारे सोशल डिसेमिनेशन के माध्यम से अगर कोई अपने गांव में उद्योग धंधा लगाना चाहता है तो उसको भी टेक्नोलॉजी की भी आवश्यकता होती है। तो सारी की सारी चीज़ें सर, ये केंद्र सरकार की बड़ी पहल है ये, क्योंकि तमाम जिस तरह आप जिक्र कर रहे हैं कि लोगों तक चीज़ें पहुंचे साइंस और टेक्नोलॉजी की, इसमें अगर कौन कौन मुख्य अतिथि होंगे? सुनने में आ रहा है कि प्रधानमंत्री PM मोदी को भी इन्वाइट किया गया है। अभी कुछ कन्फर्मेशन नहीं आया उनका, जैसे कोई कन्फर्मेशन अगर आएगा तो हम आपके साथ में शेयर करेंगे उस बात को। बाकी कौन लोग होंगे? बाकी माननीय विज्ञान एवं तकनीकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह होंगे, उसके अलावा पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरण रिजिजू होंगे। निमंत्रण तो हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री जी को भी गया है, मैं आशा करता हूँ शायद वो भी होंगे उसके अंदर। उसके अलावा केंद्र सरकार के बहुत सारे विभागों के सचिव होंगे यहाँ पे, जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी विभाग, कृषि विभाग, कृषि अनुसंधान विभाग, कई विभागों के यहाँ अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। इसके साथ साथ में चूँकि आप जिक्र कर रहे हैं कई डिपार्टमेंट होंगे, इसरो के क्या वैज्ञानिक यहाँ होंगे जो बच्चों से और लोगों से रूबरू होंगे? डॉक्टर सोमनाथ यहाँ पे होंगे, उनका कन्फर्मेशन हमें मिला है और वो वैज्ञानिकों के साथ साथ में बच्चों के साथ में भी इंटरेक्ट करेंगे। क्योंकि इंडिया इंटरनेशनल फेस्टिवल है ये साइंस फेस्टिवल, तो क्या दूसरे देशों की भागीदारी भी इसमें देखने को मिलेगी? हाँ, अभी तक 23 देशों के वैज्ञानिक जो काफ़ी या तो किसी यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स हैं या यूनिवर्सिटीज़ के प्रेजिडेंट हैं, रिसर्च कर रहे हैं वैज्ञानिक उस तरह के भी हैं, बहुत सारे साइंस डिपार्टमेंट के अधिकारीगण भी हैं। तो 23 देशों की भागीदारी अब तक इसमें सुनिश्चित हुई और ये देश साउथ अफ्रीका के भी देश हैं, इसके अंदर अमेरिका भी है, साउथ अमेरिका भी है, अफ्रीकन कंट्रीज भी हैं, आशियान कंट्रीज भी हैं और इसमें मिडिल ईस्ट भी है और इसके अंदर आपका यूरोपियन कंट्रीज भी हैं। तो ऑलमोस्ट सभी की भागीदारी है, हर जगह की भागीदारी इसके अंदर हो। बिल्कुल महत्वपूर्ण कार्यक्रम होने जा रहा है, चूँकि 4 दिन ये कार्यक्रम चलना है। जिस संस्थान को चुना गया है उनके डायरेक्टर THSTI के डायरेक्टर हैं डॉक्टर जयंता भट्टाचार्य, उनसे बात कर लेते हैं। सर, एक बड़ी उपलब्धि भी इसे कहा जाए कि आप हिस्सेदार बन रहे हैं इस बड़े आयोजन के, आपकी क्या भूमिका रहने वाली है? हमारी भूमिका तो पहले से ही है कि सहयोग करने के लिए, कि इसको जो बनाने वाले जो जगह चाहिए इस फेस्टिवल को सक्सेसफुल करने के लिए, तो हमारे जिम्मेदारी है। और हमने, आप जैसे देख पा रहे हैं कि हमने लगभग 40 एकड़ ज़मीन इसके लिए हमने डेवलप किया, इसलिए किया कि सब कुछ जैसे डॉक्टर विपिन ने बताया सही हो, सक्सेसफुली हो।
और हमारा मिशन सक्सेसफुल हो सर। और एक तरह से कहें तो ऑर्गेनाइजर आप हैं इस कार्यक्रम के, लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें तो आप मेडिकल क्षेत्र में शोध कर रहे हैं, तो क्या उसकी भी हिस्सेदारी यहाँ बच्चों को देखने को या बाकी तमाम लोगों को मिलेगी? जरूर मिलेगी। और जैसे कि ये इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल बेसिकली एक आउटरीच प्रोग्राम होती है, जिनमें हमारा जो लक्ष्य है कि बच्चे जो बहुत सारे तमाम फरीदाबाद, तमाम हरियाणा, तमाम देशों से, तमाम स्टेट से जो आएंगे, इंक्लूडिंग जो कंट्रीज जहां से बच्चे और डेलीगेट्स आएंगे, उनको ये दिखाना है कि हमारे देश में, भारत में जो हमारा कैपेबिलिटीज़ क्या है वैक्सीन के क्षेत्र में, मेडिकल क्षेत्र में। इस THSTI ने कोविड वैक्सीन डेवलप करने में काफ़ी कुछ किया है, सबको मालूम है। वो हमें दिखाने का मौका मिलेगा कि कैसे ये बना है, और दूसरी तरफ वो भी हम दिखा पाएंगे कि बाकी टेक्नोलॉजी में भारत का जो संयोग कैसे रहा, कैसे उन्होंने कंट्रीब्यूट किया, वो हम दिखाएंगे। और यही हमारा कोशिश रहेगा कि ये ISF सक्सेसफुल हो और तमाम जो बच्चे लोग यहाँ पे आएंगे, तमाम जो डेलीगेट्स आएंगे, वो ये लेके जाएंगे कि आत्मनिर्भर भारत में हम क्या कर सकते हैं और कैसे हम दूसरों को हेल्प कर सकते हैं और खुद को हम अपने आप को हेल्प कर सकते हैं। बिल्कुल, देखिए बड़ी बात कह रहे हैं डॉक्टर जयंता भट्टाचार्य कि आत्मनिर्भर भारत बनाने की जब मुहिम शुरू की गई तो इसको आगे कैसे बढ़ाया जाए, और इसके लिए महत्वपूर्ण कार्यक्रम पूरे देश भर के यहाँ स्टूडेंट्स होंगे और इसरो के वैज्ञानिकों के अलावा 23 देशों की सहमति है जहाँ के वैज्ञानिक और कई यूनिवर्सिटी के चांसलर और प्रेसिडेंट यहाँ पहुँचेंगे। तो एक बड़ा कार्यक्रम फरीदाबाद में होने जा रहा है जो 17 से 20 जनवरी तक चलेगा और इसको लेकर तैयारी अभी से शुरू कर दी गई है। हालांकि अभी चूँकि जिक्र इस बात को लेकर सामने आया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम में शरीक हो सकते हैं, अभी लेकिन उनकी तरफ से कोई सहमति नहीं आई है, लेकिन तैयारी जो है वो उसी बड़े स्तर पर की जा रही है और इसके पीछे लगातार बड़ी टीम काम कर रही है। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज़।